वालेकुम आज की वीडियो पेज नंबर एटी वन ग्रेड फाइव पर मबनी है इस वीडियो में जो सवाल दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूज़ सम दीज प्रोनाउंस वाइल राइटिंग फाइव सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक तो इन प्रोनाउंस को यूज़ करें अपने नोटबुक पर और लिखें तो ये पहले भी वीडियो आपके सामने बनाई जा चुकी है सिंपली जो प्रोनाउंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं मैं ही इज माई ब्रॉय ही इज माई ब्रदर शी शी इज माई सिस्टर आई आई एम अ टीचर यू यू आर माई फ्रेंड दे दे आर स्टूडेंट्स सो इन दिस वे हम नए फकर बना सकते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशन एंड टाइम रीड द फॉलोइंग प्रपोजिशंस एंड पोजिशन एंड टाइम विद दियर सेंटेंसेस कहते हैं प्रपोजिशंस को पढ़ें जिसमें पोजिशन और टाइम के बारे में बताया गया है यहाँ रीड मी में द प्रपोजिशंस ऑफ पोजिशन एंड टाइम शो द पोजिशन ऑफ अ नाउन तो नाउन की पोजीशन बताते हैं यानी इसम की पोजीशन और उसका वक्त बता बताने वाले जो एक्शन हैं उनको हम ऐसी पोजीशंस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें टाइम और पोजीशन बताई जाए फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ सामने द टीचर्स एंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास टीचर क्लास के सामने खड़ा होता है बिह पीछे द कैट इज सिटिंग बिहाइंड अ सोफा बिल्ली सोफे के पीछे बैठी है नेक्स्ट टू द बैंक इज नेक्स्ट टू दैट होटल बैंक इस होटल से करीब है के अगली तरफ है प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग तो ये टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि इन द मॉर्निंग एट शी स्लीप्स एट नून वो दोपहर को सोती है दोपहर के वक्त इसमें भी टाइम बताया जा रहा है ऑन शी वेंट टू द मार्किट ऑन सैटरडे वेंट टू द मार्किट ऑन सैटरडे तो सैटरडे को भी वो मार्किट गई तो यहाँ पे इन एट और ऑन प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल हुए अब हम चंद जुमले और उन्होंने कहा है यूज़ प्रपोजिशंस ऑफ पोजिशन एंड टाइम तो इनको अपनी कापी में तहरीर करें और जुमले नए जुमले बना कर कापी में तहरीर करें तो यहीं पर मैंने नोट कर दिए हैं अली सैट इन फ्रंट ऑफ माई सीट अली इज़ बिहड द वाल ही सैट नेक्स्ट टू मी वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग सो इन फ्रंट ऑफ बिहड नेक्स्ट टू ये पोजिशन प्रपोजिशंस हैं और इन द मॉर्निंग ये टाइम प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल की एडवर्ब ऑफ मैनर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्टली हम इसको बॉक्स को रीड करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन्स दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताते हैं कि किस तरह से कुछ हुआ और कैसे हुआ आम तौर पर ये मेन वर्ब के बाद आते हैं अब एग्जाम्पल्स यहां दी हुई हैं एडवें एडवर्ब ऑफ मैनर्स ही स्विम्स वेल वो सही तैरता है या खूब तैरता है तो ये वर्ब के बाद आई रैन क्विकली वो तेज से दौड़ा शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे वो दोस्ताना अंदाज में बोली तो फ्रेंड सपोक के बाद यहाँ पे फ्रेंडली वेल क्विकली एंड फ्रेंडली ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स इन द टेक्स्ट डू व्हाट्स राइट तो लेसन में से मैंने ये तीन एडवर्ब ऑफ मैनर्स तलाश करके यहाँ नोट कर दिए हैं एक्सीडेंटली क्वाइटली एंड क्विकली नेक्स्ट है राइटिंग लर्निंग टू राइट राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी तो अपने दोस्त को शॉर्ट इन्विटेशन लिखें बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना दी जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में इसको सामने पेश करेंगे तो उम्मीद है कि ये पेज आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे और इसको सॉल्व करने में इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आपको मदद मिली होगी थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो इन माय चैनल अल्लाह हाफिज़